8 मई को अमित शाह भी आ रहे हैं शादी प्रज्ञा के प्रचार के लिए, वही कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल रहेगा? ये माहौल क्या रहेगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा अल्लाह इंसा अल्लाह। जेएनयू में जो नारे लगा रहे थे दिग्विजय सिंह जी, उन्हें बुलाकर क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह जी के साथ कौन है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, और प्रज्ञा साध्वी के साथ वे लोग हैं जो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। इसलिए कन्हैया कुमार आकर नवजोत सिद्धू ने प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहा है। मैं आज FIR दर्ज करने जा रहा हूं जिस थाने के अंतर्गत उन्होंने कहा है। भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा, नवजोत की ज्योति बुझ गई है पूरी तरह से, और भारत के प्रधानमंत्री को ये बात कहना, इसलिए मैं आज FIR दर्ज कराने जा रहा हूं। आपके उसमें प्रचार करने के लिए, सभा करने के लिए 8 मई को ही कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं, और दिग्विजय कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनका समर्थन करते हैं। मैं कह रही हूँ कि वो जब जी लगा के आतंकवादियों का समर्थन करते हैं तो देश के टुकड़े गैंग को समर्थन नहीं करेंगे, ऐसा कैसे संभव है? उनके तो सिलेबस में यही चीजें हैं, उनके तो संस्कृति में ये है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ।